अब वक्त है आपके हफ्ते भर से भेजे गए सवालों के जवाब जानने का। पहला सवाल हमें आया है अतुल राय का मुंबई से। ये जानना चाहते हैं कि ये नवी मुंबई में निवेश करना चाहते हैं और इनका बजट है 50 लाख रुपए। कहाँ निवेश करना इनके लिए बेहतर होगा? देखिए, नवी मुंबई एक अच्छी मार्केट है। अभी रिसेंटली नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसका भी टेंडर हुआ था जो GMB ने जीता है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट वहाँ पर काफ़ी अच्छा रेट अप्रिसिएशन होगा। दो एरिया जो सबसे अच्छे लगते हैं, जो सबसे क्लोज हैं, जो आने वाले GVK इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास आ रहे हैं, वो है एक पनवेल और दूसरा है उलवे। 50 लाख का बजट में आप, अगर आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि आप 1 BHK देख रहे हैं या 2 BHK देख रहे हैं, मेरा मानना है 50 लाख के बजट में एक अच्छे बिल्डर का आपको सिर्फ वहाँ 1 BHK ही मिल पाएगा। अगर आप अपना बजट बढ़ा के 60 लाख तक लग जा सकते हैं, वहाँ पर 2 BHK भी दे सकते हैं। अगर इसके अलावा भी बजट आपका बहुत कंस्ट्रेंट है, आप नहीं बढ़ा सकते, तो एक और एरिया है उसके पास ही करांजदे, वहाँ पर भी आप ऑप्शन दे सकते हैं, जहाँ पर आपको 2 BHK 50 लाख के बजट में मिल सकता है। दूसरा सवाल हमें भेजा है हरवीर सिंह ने पंचकुला से। ये जानना चाहते हैं कि ये पंचकुला में निवेश करना चाहते हैं, इनका बजट है 30 से 40 लाख रुपए। ये जानना चाहते हैं कि ये प्लॉट खरीदें या फ्लैट खरीदें और किन रेट्स पर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, मेरा मानना है अगर आप टीयर टू टाउन देख रहे हैं, जैसे कि आपने मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लॉट हमेशा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू अगर आप अपार्टमेंट लेंगे, और वहाँ प्लॉट अफोर्डेबल भी है, इसलिए आपको मेरे हिसाब से तो प्लॉट ही लेना चाहिए। पर पंचकुला जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, पंचकुला सिटी में तो आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा डेरा बस्सी की तरफ। डेरा बस्सी में आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पर जो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो गेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं 9,000 से 12,000 पर गज के हिसाब से रेट में। आई थिंक वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा उबर ग्रुप का, GPP ग्रुप का, जिसे आप देख सकते हैं। अब वक्त है कुछ और प्रॉपर्टी न्यूज़ दिखाने का जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी। देखते हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। DDA की 13,148 फ्लैट्स की हाउसिंग स्कीम मार्च में लॉन्च की जाएगी। स्कीम का ड्रॉ मई में निकाला जाएगा और जून जुलाई से ड्रॉ में निकलने वाले विजेताओं को फ्लैट्स का पोजीशन दे दिया जाएगा। ड्रॉ के बाद फ्लैट लेने से मना करने पर DDA रजिस्ट्रेशन मनी जब्त करेगी। स्कीम में यह भी प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई स्कीम से बाहर होना चाहता है तो ड्रॉ से 3 दिन पहले बाहर निकल सकता है। ड्रॉ में 5 साल का लॉक इन पीरियड नहीं रखा गया है। 18 लाख से कम सालाना आय वाले जिस किसी व्यक्ति का होम लोन एप्लीकेशन 1 जनवरी के बाद पास हो जाएगा, ब्याज पर 3 से 4% तक की सब्सिडी पाने का हकदार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को होम लोन के ब्याज पर छूट की घोषणा की थी, लेकिन सालाना आय के पैमाने पर जानकारी नहीं दी गई थी। नया घर बनाने या खरीदने वाले अविवाहित और कमाने वाले युवा भी ब्याज पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। खास आय वर्ग के लोग अगर 960 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद रहे हैं तो उन्हें होम लोन के ब्याज पर 3%, जबकि 1184 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट की खरीद पर 4% की छूट मिलेगी।